तो दोस्तों सुबह की जल्दबाजी में बच्चों का लंच बॉक्स हो या शाम में चाय के साथ कुछ नया और चटपटा सा हेल्दी सा कुछ नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ये नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बिल्कुल कम टाइम में कम सामानों से झटपट बन के रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इस चटपटे नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई करना। वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर किस बात की, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 6 स्लाइस ब्रेड का ले लिया दोस्तों, 2 स्लाइस को साइड रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक दिन पुराना ब्रेड लिया है, आप फ्रेश का भी बना सकते हैं। और देखिए एक स्लाइस को लेके 20 से आधा कर लेना है, देखिए इस तरह। अब फिर 20 से आधा करना है, यानी एक ब्रेड को 4 भागों में कट कर देना है। तो देखिए सारे स्लाइस को मैंने कट कर लिया है। अब इसको रखेंगे साइड में और यहाँ पे एक छोटी सी तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया है और उबला आलू है दोस्तों। और यहाँ पे बारीक वाला ग्रेटर ले लेना, इससे बारीक ग्रेट कर लेना है। ध्यान रखना आलू के बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए, अगर बड़े टुकड़े रह जाएंगे तो हमारा नाश्ता ख़राब बन जाता है। तो देखिए इसी तरह बारीक रहने चाहिए। अब यहाँ पर टेस्ट के अनुसार नमक डालना और 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर और 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च थोड़ा कम डालना और साथ में 2 चम्मच यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज और 2 चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा धनिया पत्ती। यहाँ पे जो आपको सब्जी पसंद हो डाल सकते हैं और जो ना पसंद हो स्किप कर सकते हैं। और जरा सा अदरक को ग्रेट करके डालना। और हमारे नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी करने के लिए 1/2 छोटी चम्मच चिकन मसाला इसमें डालेंगे, उसके जगह पाव भाजी मसाला या मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। अब सारे को मिक्स करके इसको कवर करके साइड रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस जो ब्रेड रखा था ना वो ले लेना। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच इस पर पानी डाल देना, इतना डालना कि ये सॉफ्ट होके मैश हो जाए। तो देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है, इसको अच्छे से मैश कर देना, एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल लेना। और जो मैंने आलू में सब्जी डाल के रखा था उसी के अंदर ये ब्रेड को मैश करके डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है कि सब में अच्छे से मिक्स हो जाए और आलू का मॉइस्चर इससे कम हो जाए। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, एक छोटा सा बॉल की तरह उठाना, देखिए इस तरह उठा लेना है। और यहाँ पे ब्रेड का टुकड़ा जो रखा था ना मैंने उसके ऊपर डाल के इसको अच्छे से इस तरह चारों तरफ ब्रेड के साइज़ का आलू का यानी टिक्की की तरह बना कर डाल देना है, देखिए इसी तरह। और फिर क्या करना, देखिए इसी तरह कर लेना है, पूरा अच्छे से सेट किनारे चिकना कर लेना। अब यहाँ पे दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेना और देखना जिस तरह नीचे का ब्रेड का स्लाइस रखा है ना, किनारे का पार्ट्स उसके ऊपर का रहना चाहिए। तो एकदम अच्छे से नाश्ता सेट हो जाता है देखिए। और ये उंगली से यानी फिंगर से इस तरह चिकना कर लेना। तो देखिए ये पहला नाश्ता हमारा रेडी हो गया, इसे रखेंगे प्लेट पर। इसी तरह दूसरा ले लेना, दूसरा को भी उसी तरह कर लेना है। तो देखिए इसी तरह दूसरा पीस भी हमारा रेडी हो गया है। तो देखिए इसी तरह सारे नाश्ते को मैंने रेडी कर लिया। अब यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें 1/2 कप मैदा डालेंगे। आप मैदा की जगह गेहूं का आटा या चावल का आटा भी ले सकते हो। टेस्ट के अनुसार नमक और 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर और 1/4 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच भर के व्हाइट और ब्लैक वाला तिल डालेंगे। सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बीच का घोल तैयार कर लेंगे, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। देखिए इसी तरह कर लेना चाहिए। चमची उलट के इस तरह ड्रॉ कीजिएगा, ड्रॉ हो जाएगा यानी परफेक्ट घोल रेडी हो गया। अब ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती डालने से देखने भी हमारा नाश्ता अच्छा लगेगा और इसमें फ्लेवर भी अच्छा आता है। अब क्या करना, हमारे नाश्ते को जो बना के मैंने रखा है इसके अंदर डीप करना। अब गैस में मैंने तेल पहले ही से चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए। देखिए गर्म तेल हो चुका है। केयरफुल्ली सारे पीस को इसके अंदर डाल देना। यहाँ पे आँच आप मीडियम कर दिएगा, मीडियम टू हाई आँच पे। इसको डालते के साथ तुरंत पलटिएगा ना, देखिए सट जाए तो चमची से इस तरह अलग कर लीजिएगा। और एक तरफ 1 मिनट हो जाएगा यानी हल्का सा फ्राई हो जाएगा, तो फिर इसको केयरफुल्ली पलट देना है। यानी कि इसको उलटते पलटते 4 से 5 मिनट लगेगा। ऊपर नीचे एकदम क्रिस्पी फ्राई होकर हमारा नाश्ता रेडी हो जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सिर्फ 2 सामानों से जो कि अक्सर घर में मौजूद रहता है और झटपट बन के रेडी हो जाता है, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करना। बच्चों का सुबह का लंच बॉक्स रहे या शाम में चाय के साथ सिर्फ 5 मिनट बना के अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसी तरह उलटते पलटते इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया, यानी कि क्रिस्पी फ्राई हो गया। तेल से छानते भी निकालेंगे कि एक्स्ट्रा तेल इसका पैन ही में रह जाएगा।
तो देखिए इसी तरह मैंने निकाल लिया है सारे नाश्ते को। यह टेस्टी के साथ हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें मैंने वेजीज भी डाला है और इसे मैंने शैलो फ्राई किया है। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई कर सकती हूँ। आप देख सकते हो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और आवाज़ सुन ही कि आप समझ रहे हो कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। ऊपर नीचे क्रिस्पी होता है और अंदर सॉफ्ट होता है। इसे मैंने धनिया पत्ती की चटपटी चटनी के साथ सर्व किया था। आप चाहें तो इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं।